फिल्म बहुत ही अच्छी थी. द फिल्म हैज़ बीन मेड बाय किरण राव एंड शी इज़ अ वेरी अंडरस्टेटेड फिल्म मेकर. और जिस किस्म की फिल्में वो बनाती हैं, जितने भी पहले भी फिल्में बनाई हैं और इस फिल्म के साथ, शी हैज़ अ नैक टू प्ले विद ऑल ऑफ दीज ड्रास्टिक कैरेक्टर्स, बी इट ड्रास्टिक, बी इट वेरी आई मीन अर्बन. शी हैज़ अ नैक टू काइंड ऑफ डेल्व इनटू द साइकोलॉजी ऑफ ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स. और बहुत बेसिक सी कहानियाँ, लेकिन जिस तरह से दिखाया जाता है ना, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी टचिंग, वेरी नाइसली मेड. शी इज़ अ फिल्म मेकर, शी वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू आई मीन फॉर द फिल्म लगान. मीन ऑब्वियसली दैट इज I mean, she had the idea of making, she wanted to make films, and the kind of films that she's making, it's, I mean, hats off to her. What do you have to say about the staff and acting? Everybody was lovely. Everybody was lovely. I mean, or star cast, khali, I mean, the fact that, I mean, everybody wants to act in a film, and everybody wants to make sure that, you know, they are in the spotlight as far as a film is concerned. Bade parde ka jahan pe sawal aata hai. But to extract the right kind of performance, the restraint that is required, I mean, for a character to kind of portray a particular character on screen, for an actor to portray a particular character on screen, again, kudos to the director for having extracted these wonderful performances from them. And all of them have done a swell job, all of them. I mean, choti choti cheezon ko dimag mein matlab dal ke continuity mein koi error mujhe nahi dikha. Ek ek cheez mujhe bahut bahut hi acha laga mujhe. स्टार्स, इस फिल्म को स्टार्स किया तो इट्स अ लवली फिल्म. आई मीन आई से 5 out of 5 स्टार्स अगर मुझे देना ही है तो. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई लाइक टू स्टेट, व्हाट इज़ विद रेलवे स्टेशंस एंड परफेक्ट लव स्टोरीज इन बॉलीवुड और एनीथिंग दैट्स गॉट टू डू विद लव एंड यू नो दिल से. रेलवे का पूरा लेट मोटिव यूज़ किया हुआ था दिल से में, वीर ज़ारा में, इन दिस फिल्म. देयर आर सो मेनी अदर फिल्म जिसका नाम मैं अभी तक भूल नहीं रहा, पर मैं जब बैठा हुआ था तब एक के बाद एक कॉन्स्टेंटली नाम आ रहे थे मेरे दिमाग में. And I would say this is a very beautiful, a very subtle. ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, everything is understated, and the treatment of the film is just wonderful, wonderful. हाँ, in fact ये मैं कहूँगा कि मैं खुद story और उसकी जो treatment में खुद इतना मतलब involved हो गया कि मैं खुद लापता हो गया. और जब भी इंटरवल हो गई तो मुझे लगा कि इसका बाकी का हिस्सा वापस आके देखना है. अच्छा, ओवरऑल बहुत ही टचिंग फिल्म है. जैसे आमिर भाई की बहुत पहले फिल्म आई थी लगान, पूरी कंट्री साइड यू नो जिसको कहते हैं ना कि गांव का पूरा बैकड्रॉप है, रूरल, तो बहुत ही टचिंग है. आजकल ऐसे फिल्में बहुत कम बनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत ही ऑथेंटिक नेचुरल एंटरटेनमेंट है. और ओल्ड वैल्यूज़ यू नो पुराने ज़माने की मतलब बरसों पहले की ट्रेडिशनल परंपरा वैल्यूज़ और एक स्टोरी में एक ग्रिप है कि जो लापता लड़की मतलब जो नई दुल्हन जो है उनका उनकी अदला बदली हो जाती है तो कैसे उसका मतलब वो लोग सुलझा लेंगे और कैसे उसका अंत होगा, तो ये लोगों को सस्पेंस है. तो इसमें एक थोड़ा अंडरकरंट ऑफ क्राइम का भी एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है. और इसमें छा गए हैं जितने भी नए टैलेंट इंट्रोड्यूस किया है वो छा गए. बहुत ही अच्छा नेचुरल परफॉर्मेंस है. और रवि किशन तो सुपरस्टार है भोजपुरी के, और हिंदी में भी अच्छा उन्होंने रोल्स किया है. वो मतलब ही इज़ वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म. बैकग्राउंड म्यूज़िक राम संपत का बहुत बढ़िया है, मतलब पूरा एक फोक का टच है उसमें. और ऐसे लगता है कि हम गांव के साथ मतलब किसी गांव में जाके हम लोग वहाँ के स्टोरी में खो गए. तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को आउट ऑफ 5, 4 स्टार्स देना चाहूँगा. प्रोडक्शन वैल्यूज़ में पूरी फिल्म जो है ज़्यादातर आउटडोर की लोकेशन पे ही शूटिंग की है, इसलिए बहुत ही रियलिस्टिक लगती है. और कैरेक्टर्स भी कास्टिंग बहुत ही रियलिस्टिक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ज़बरदस्ती किसी को कास्ट किया है जो कि उसमें फिट नहीं हो रहा है. हर एक जो भूमिका है वो करेक्ट कास्टिंग की है. तो मैं समझता हूँ किरण राव ने बहुत ही कमाल किया है. और उन्होंने उनको आमिर खान का तो बहुत ही ऑल द टाइम सपोर्ट मिला है, इवन एज को प्रोड्यूसर एंड एज अ यू नो मतलब एक क्रिएटिव सपोर्ट.
तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि किरण राव यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, जबकि मेरे इतने सालों के बाद धोबी घाट के बाद उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्शन किया है, तो मैं वाकई उनको अप्रिशिएट करूँगा कि लापता लड़की जो है इट्स अ वेरी गुड फैमिली एंटरटेनर। मुझे प्योर लगी, मतलब बोलते हैं ना आजकल जैसे दिखावा हर चीज़ में मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, तो इसमें ऐसा दिखाया कि भाई एक लड़की जो दुल्हन गायब हो गई उसके साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाया, पॉजिटिव दिखाया कि सब कुछ अच्छा है, वो अच्छी है तो लोग अच्छे हैं, मतलब ऐसा असली में ऐसा होता नहीं है लेकिन पिक्चर में दिखाया और अच्छा लगा, मतलब पॉजिटिविटी थोड़ा मुझे अच्छी लगी पिक्चर में। हाँ, स्टार कास्ट तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से सब इनोसेंट लोगों को पकड़ के इतने सब बोले वाले दिख रहे हैं, तो करेक्टर के हिसाब से जो भी सिलेक्शन किया है, खासतौर पे वो फूल तो बहुत ही छोटी लग रही है और जो उसका हस्बैंड दिखाया है वो भी एकदम इनोसेंट लग रहा है, तो मतलब जो कलाकारों का चयन है वो भी बहुत अच्छा किया है, रवि किशन ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब पूरी पिक्चर को उठा लिया उन्होंने, और जो मतलब डायरेक्शन वायरेक्शन है बीच में थोड़ा सा स्लो हो रहा था, लेकिन किरण राव का मतलब एक अलग अपना प्रेजेंटेशन है, किरण राव जो पिक्चर वो इंसान भी अलग है, पिक्चर भी अलग बनाती है, पब्लिक को पसंद आए या ना आए उनको कोई परवाह नहीं है लेकिन ये फिल्म अच्छी है, अच्छी बनाई है और मुझे लगता है कि पब्लिक को पसंद आएगी। इस मैं दूंगी 3। किरण राव बहुत सालों बाद वापस डायरेक्टर के कुर्सी पे आई है लापता लेडीज़ का यू नो फिल्म लेके, एंड ट्रेलर देखने के बाद में ट्रेलर अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि काफ़ी फुटेज जो था रवि किशन का जो रखा था ट्रेलर में, एंड अभी फिल्म अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट हाफ जो है पिक्चर का वो थोड़ा सा हिला हुआ है, शेकी है कि कहीं ना कहीं लैग हो रहा था मुझे, मैं खुद बोर हो रहा था फर्स्ट हाफ में, बट व्हेन द सेकेंड हाफ स्टार्ट्स तो एंटरटेनमेंट शुरू होता है एंड नो ड्रामा शुरू होता है और सारे दर्शक और खुद मैं सोच में लग जाते कि अब क्या होगा, कि ये लड़की आ गई है वो नो एक खो गई है और ये कोई दूसरी है वो क्या कर रही है, उसका भी एक एंगल फर्स्ट हाफ से ही शुरू होता है। सारे एक्टर्स को स्क्रीन टाइम बराबर दिया है किरण राव ने, एंड बजट इतना है नहीं पिक्चर का, एकदम नॉर्मल बजट में पिक्चर बनाई है, जितना चाहिए था और जितना कि आमिर खान तो बहुत बड़े पहले से प्रोड्यूसर रह चुके हैं, उनको पता है कि इतने बजट में इतना निकलेगा ऑडियंस से, तो शायद से पिक्चर चल भी सकती है नहीं भी चल सकती है। एक जगह पे जहां मुझे थोड़ा सा यू नो किरण राव की राइटिंग में मुझे पसंद नहीं आया वो था कि हर बार किरण राव ने ये दिखाने की कोशिश की कि इंडिया में लड़कियों को इज्जत ही नहीं दी जाती है और लड़कियों को की जो पसंद है वो मेन आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट एंड हर बार मर्दों की चल रही है घर पे, तो शायद किरण राव ऐसे घर पे रहती रहेगी जहाँ पे मर्दों की चलती है, लेकिन बाकी के घर पे भी जाके देखना चाहिए किरण ने एंड फिर राइटिंग करना चाहिए था, कहीं पे मर्दों की इतनी नहीं चलती है जितनी की औरतों की चलती है आज भी। ये 2001 की जो कहानी है कहोना प्यार है, सेटअप सेटिंग्स बहुत अच्छे थे, बट वहाँ पे एक ही मुझे यू नो आई थॉट कि दैट वाज अ बिट इनटू अ लाइट बैड लाइट, बाकी तो पिक्चर बहुत अच्छी है एंड पब्लिक को पसंद आएगी। बी और सी सेंटर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा चलेगी अगर लोगों को कनेक्ट हुई तो, या तो फिर मेट्रो सेंटर्स में चल के जो भी बजट है वो कवर कर लेगी, तो पिक्चर के लिए मेरी तरफ से 3 स्टार्स। बस सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं इस साल अब तक का बस हम फरवरी ख़त्म हो रहा है, मेरे हिसाब से ये बॉलीवुड की इस साल की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। किरण राव एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डायरेक्टर है, उनकी फिल्म सिनेमा की अगर बात करें तो वो ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है और बस लापता लेडीज़ स्टार्ट से एंड तक ज़मीन से जुड़ी हुई है, और जिस ज़मीन की ये कहानी बताती है ये वहाँ की सभी अच्छी बुरी बातें जो भी है वो सब डायरेक्टली कुछ नहीं कहा है, बस एक यूमर का इस्तेमाल किया, ये एक मोर ऑर लेस सटायरिकल फिल्म है और कहानी तो खैर आपने ट्रेलर में देख ही ली होगी। बस इतना कहूँगा ये फिल्म
इंसानियत को मेरे ख्याल से इसकी इंसानियत जब आप फिल्म देखेंगे इसकी इंसानियत आपको छू जाएगी। ज़्यादा कुछ मैं कहानी का नहीं कहूँगा, वो तो आपको ट्रेलर में ही पता ही है, लेकिन बस जो अभिनय की बात करूँ, यहाँ पे जो दो लड़कियाँ हैं दे आर रिलेटिवली यंग गर्ल्स, वाह आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स, बेहतरीन कास्टिंग। इस फिल्म के हर एक कैरेक्टर जो है मेरे ख्याल से चुन चुन के इन्हें लिया गया है। आई थिंक ऑल द एक्टर्स वर बॉर्न टू प्ले दीज कैरेक्टर्स, चाहे वो छाया कदम हो और रवि किशन साहब भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि उनका जो टैलेंट है बॉलीवुड में आज तक इतना इस्तेमाल टैप नहीं किया गया है। ही इज़ अ जीनियस ऑफ एन आर्टिस्ट, और जो कैरेक्टर उन्हें यहाँ पर दरोगा जी का प्ले किया, बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक रियलिस्टिक कैरेक्टर है जिसके अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं। बस उनका काम बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म जैसा नाम है लापता लेडीज़, और कुछ अगर एक कम शब्दों में कहूँ जो इसकी कॉन्फ्लिक्ट है, नॉर्मली यही होता है कि एक आम इंसान हो, कोई भी हो, उसके ज़िंदगी में जब तकलीफ़ें आती हैं तो वो उसे रिजॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, लेकिन आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं वो भी एक डिटरमाइन करता है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एड्रेस करते हो। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का एहसास होगा। और सबसे बड़ी खासियत बात इस फिल्म की है इसकी राइटिंग, डायरेक्शन A1 है, द क्वालिटी ऑफ राइटिंग, द डायलॉग्स, और एक विट में जो कहूँगा ह्यूमर, हास्य, कॉमेडी नहीं हास्य जो है वो आपको इस फिल्म में भरपूर इसके हर एक तकरीबन हर एक डायलॉग में देखने को मिलेगी। अंत में तो थोड़े बहुत आंसू भी निकलते हैं, खुशी के आंसू है, एंड बस आप जुड़ जाते हो इस पिक्चर से, आप जुड़ जाते हो इसके लीडिंग कैरेक्टर से, इसके हर एक किरदार से, और आपके अंदर का मेरे एक जो इंसान है वो उससे ये फिल्म ज़रूर कनेक्ट करती है। मैं दर्शकों से अपील करूँगा, जाइएगा इस फिल्म को देखिएगा और इसका आनंद उठाइएगा, लापता लेडीज़ का। कितने स्टार देना स्टार मैं इसे 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा।